प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास एक स्कूल के डायरेक्टर आए तथा वह जानना चाहते थे कि वह अपने बच्चे को कैसे सेटल करें। उनका बेटा जो है वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है तथा वो चाहते हैं कि कुछ कैरियर टिप्स दूं। तो कोशिश की मैंने कि कुछ उसको कैरियर टिप्स दी जाएं। तो मैंने उसको दो बातें कही हैं। मैंने कहा कि अगर आपका बेटा इन दो बातों के ऊपर फॉलो कर लेता है तो यकीन मानिए कि आपका बेटा अपनी जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता। टाइम लग सकता है पर असफल नहीं हो सकता। पहली बात कि आपका जो बेटा है वह अपने काम को इस तरीके से करेगा या करना चाहिए उसे कि वह उसे एक तरह की परमात्मा की पूजा समझे। जब तक हम काम को पूजा नहीं समझेंगे, दिन और रात लग कर काम नहीं करेंगे तो सफलता के कोई चांसेस है ही नहीं। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी टेंशंस उस काम के साथ आपके को मिल जाती हैं। तो उसमें आप घबराइए मत, दिल लगाकर काम करते जाइए। ये मत सोचिए कि ग्राहक कहाँ से आएंगे। अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हो तो प्रोफेशनलिज्म को अपनाइए तथा देखिए कि आप में क्या कमी है, आप अपने काम को क्या अच्छी तरीके से कर रहे हो। जब इंसान काम की पूजा करता है तो ग्राहक अपने आप ही आते हैं, उसकी गुडविल ही इतनी ज्यादा हो जाती है। नंबर दो पे, काम करते समय कभी भी इमोशनल मत हो जाइए। हो सकता है कि आपके बहुत सारे इमोशनल रिलेशंस आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पत्नी तथा आपके बच्चों के साथ हों, वो होने भी चाहिए। परंतु जब आप काम की तरफ आते हो तो उस भावनाओं को साथ में मत ले जाइए। कभी गुस्सा है, कभी ज्यादा अधिक मोह है तो वो काम को डिस्टर्ब करेंगे। एक बैलेंस इसमें बनाइए। दो चीजें, अगर चीजें आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर लेते हो तो आप कुछ भी करो, चाहे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है जैसे उसके बच्चे ने की हुई है, ऐसे कुछ भी किया हो, यदि दो बातों के ऊपर इंसान फॉलो कर लेता है, अगर वो ये सोच लेता है कि अगर काम करना है तो रात के 1 बजे भी काम को निपटाना है, सुबह के 1 बजे भी काम को निपटाना है, शाम को भी निपटाना है और सुबह भी निपटाना है, हर समय उस काम के प्रति आपकी कितनी लगन है, यह एक मेजरमेंट है कि आप कितनी छेती लाइफ में सफल होंगे। दूसरी बात कि बैलेंस लेके आना है इमोशंस रिलेशन में और अपने काम में, उसको भी समय चाहिए, इसको भी समय चाहिए, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।